Hey guys, welcome to the new video of InCut Video Tutorials. So, in this video, we will do project number 18, which is Pong game. Its circuit is basically the project number 17. The same circuit, but we have to add a potentiometer in it. So, let's see the potentiometer connection. You can see here. The potentiometer is one end. You can connect it with 5 volt power supply. The other end is आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए और जो बीच का एंड है उसको A5 से कनेक्ट कर दीजिए. बाकी ये जो कनेक्शन था ये पुराना पिछला ही रहेगा. जो डीन ब्लॉक और सीएसएस था वो आप ट्यूटोरियल को पिछले प्रोजेक्ट से रेफर कर दीजिए कि कौन से में 11 12 11 10 में कौन कौन सा क्या क्या लगेगा. बाकी आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका कोड हम नहीं समझेंगे, बस कोड को हम ट्राई करेंगे, ये अपलोड करेंगे और गेम को खेलेंगे. बस इसमें इतना ही करना है, इस प्रोजेक्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना है. कोड को समझने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कोड समझना भी है आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे. इसको इस कोड को समझने का उतना जरूरी नहीं है. तो कोड को जो है मैंने एक ड्राइव लिंक सॉरी कोड कोड हाँ हाँ तो कोड को जो है वो मैंने एक गूगल ड्राइव में ये कर दिया है, गूगल ड्राइव क्रिएट करके उसमें कोड को सेव कर दिया है. तो या तो आप इस लिंक को ये कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए और किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करिए. एक क्यूआर कोड स्कैन करने पे आपका एक गूगल ड्राइव का लिंक खुलेगा. उसमें लिंक को ओपन करने पे उसमें कोड है pong.game.ino करके और लेट कंट्रोल लाइब्रेरी फाइल है और टाइमर लाइब्रेरी फाइल है. अगर आपने पिछले प्रोजेक्ट का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि लेट कंट्रोल लाइब्रेरी फाइल और टाइमर लाइब्रेरी फाइल कैसे ऐड करना है. आप अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज आप जाके पहले उस वीडियो को देखें. उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये गेम थोड़ा समझ में भी आएगा थोड़ा बहुत कि कैसे क्या काम होगा. तो वही आप उसको जाके पहले उस वीडियो को देखें ताकि आप लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करना, टाइमर लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करना, किसी भी तरह के लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करना आप सीख जाएंगे. वो तो हमें रिक्वायर्ड था लेट कंट्रोल, इसलिए हमने वो मैंने उसके थ्रू सिखाया आपको. आप किसी भी तरह का लाइब्रेरी फाइल डाउनलोड करके उस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं. तो मैं इसे रिपीट नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में. तो डायरेक्टली सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लिंक है इसको सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट करेगा राइट क्लिक ये इसको कॉपी कर लीजिए. कॉपी करने के बाद आप ब्राउजर में जाकर इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लीजिए. मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसे गूगल क्रोम में ही खोलें. तो यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए. ये देख सकते हैं आप ये गेम डाउनलोड हो गया है. आप यहाँ के आप जो डाउनलोड फोल्डर है उसमें जाइए. डाउनलोड फोल्डर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड हुआ है. आप इसको कट करिए और फिर डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिए. डायरेक्टली ओपन करिएगा तो वो फाइल ओपन होने में शायद दिक्कत हो और फाइल करप्ट हो जाए, तो इसलिए हम पहले डेस्कटॉप में इसको ओपन कर लेंगे. फिर हम आर्डिनो आईडीई खोलेंगे और फाइल में जाकर ओपन करेंगे. ओपन में जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाकर pong.game.ino इस फाइल को ओपन करेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वहाँ पे ओके क्लिक करना था. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉन्ग गेम का जो हमारा ये कोड ओपन हो चुका है. ये कोड आपको समझने की उतना जरूरत नहीं है, अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है तो वो समझने में थोड़ा परेशानी होता है. इसलिए आप बस इसे हम इंटरटेनमेंट के पर्पज से इस प्रोजेक्ट को हम मैंने इंक्लूड किया था इस ट्यूटोरियल में. तो आप इसे इंटरटेनमेंट के पर्पज से ही रखें. अगर आपको समझना है, अगर आप समझ सकते हैं तो गुड इनफ, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइमर डॉट एच इस पर हमने यूज किया है, पिछले प्रोजेक्ट में हमने इंक्लूड किया था लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमने यूज किया है. तो सबसे पहले कोड को वेरीफाई कर लेंगे एज यूजुअल प्रोसेस. कोड वेरीफाई हो चुका है, सब कुछ सही जा रहा है, कोई किसी तरह का कोई एरर नहीं है. मैंने यूएसबी पहले से कनेक्ट करके रखा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर अडैप्टर मैट्रिक्स. हाँ, तो अगर आप अभी यूएसबी कनेक्ट कर रहे हैं तो ये फिर से याद दिला दो, बोर्ड और पोर्ट्स कलर सेलेक्ट करना ना भूलें. अगर आप भूल जाएंगे तो आपको एक एरर आएगा, वो फिर एरर अपलोडिंग में कोई एरर आए तो आप फिर से आके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए यहाँ पे. तो ये इस पॉइंट के बाद चलिए आप अपलोड करते हैं डायरेक्टली कोड को. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड अपलोड हुआ है, ये इनिशियलाइज हो रहा है गेम.
ये इनिशियलाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं ये बॉल आ रहा है, तो इसमें हम पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करेंगे। इस गेम को आपने मोबाइल्स में खेला होगा, तो इसको जो है हम कंट्रोल करेंगे। ये आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर को जब हम लेफ्ट वाइप आउट करेंगे तो ये बॉल लेफ्ट घूमेगा, जब ये इसको राइट वाइप आउट करेंगे तो ये जो हमारा ट्रे है वो राइट घूमेगा। और तब तक खेलते रहना जब तक ये बॉल जो है इस ट्रे पे टच ना हो, तब तक ये गेम चलते रहेगा। अगर मान लीजिए ये टच नहीं हुआ तो ये देखिए इस तरह का साइड फेस आ जाएगा कि गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा पॉन्ग गेम, आई होप एंजॉय करेंगे आप। थोड़ा देर और खेलिए, सॉरी तो थोड़े देर और खेलिए, आप एंजॉय करिए। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो हमारा था इस थोड़ा टफ प्रोजेक्ट है, थोड़ा हमारे लेवल से एक लेवल अप का प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है प्रोजेक्ट पूरा कोड समझ में आ जा रहा है कोई मतलब गुड इनफ, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। जब आप आगे और टफ प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे तो इसमें ये कोड और थोड़ा सी का भी अच्छे से पढ़ेंगे, सी और सी प्लस प्लस को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे तो ये कोड आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कोड को समझाने का वो नहीं किया, क्योंकि ये एक तो बहुत लंबा कोड है तो शायद वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा समझाना, और दूसरा ये है कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, इसलिए मैंने ये कोड को समझाया नहीं है। तो आप तो इंजॉय करिए इस गेम को, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो। अगले प्रोजेक्ट में हम और एक इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ आने वाले हैं जो कि डॉट मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करता है, वो हमारा आखिरी प्रोजेक्ट होगा डॉट मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करने वाला है। थैंक यू।